स्वागत वंदन अभिनंदन। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आज आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल नाम के चैप्टर की एक्सरसाइज 2.5 के अंतिम तीन प्रश्न 14, 15 और 16। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 डिस्कस कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं क्योंकि एक्सरसाइज काफी बड़ी है तो हमने इसको कई सारे पार्ट्स में शूट किया हुआ है। चलिए समझते हैं। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है बिना क्यूब को कैलकुलेट किए हुए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो फॉर्मूले का यूज करके हम इन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं, पहले हम आइडेंटिटी लिखते हैं आपके सामने। आइडेंटिटी ये है, ये पीछे पहुंच गया है, फिर से हम पेन को आइडेंटिटी को हम देख लेते हैं। आइडेंटिटी हमारी है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो हमें क्यूब कैलकुलेट नहीं करना है। तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस 12 और वाई की वैल्यू कितनी है 7 और उसकी जेड वैल्यू कितनी है 5। तो ये जो माइनस 3xy है ना, माइनस 3xy, इसे हम राइट हैंड साइड में पहुंचा देंगे। तो हमारे पास आइडेंटिटी जो है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आया ब्रैकेट में, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस 12, वाई की कितनी है 7 माइनस 12, वाई की कितनी है 7 और जेड की कितनी है 5। एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना है 144 प्लस वाई स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना है 49 प्लस जेड स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर 25 एक्स वाई 12 इंटू 7 84, माइनस लगा हुआ है तो प्लस का 84 माइनस वाई जेड 7 इंटू 5 35 माइनस जेड एक्स यानी 5 इंटू 12 तो माइनस 60 आएगा तो प्लस 60 हो जाएगा प्लस 60। तो दिस इज यहां सॉरी प्लस का साइन लगाना था हमें इस जगह पे प्लस का साइन। तो ये हो गया आपका 5 × 7 35, 35 × 3 आपका हो गया 105 का हम कर लेंगे 12 से मल्टीप्लाई। तो दिस इज माइनस 105 × 12 प्लस ये हो गया 0 माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 दिस इज 0। तो हमें 105 का मल्टीप्लाई करना है केवल इससे, तो ये आएगा माइनस 12 60 माइनस 12 60 हो गया। आसान था, कहीं मुश्किल नहीं था, राइट। सेम चीज यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया हुआ है कि यदि a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 28, b की कितनी है माइनस 15 और c की कितनी है 13। a बराबर है 28, b है माइनस 15 और c है माइनस 13। तो a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी दैट इज 28 माइनस 15 माइनस 13 दिस इज 0।
तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी के बराबर क्या आ जाएगा, 3abc, तो 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब बराबर 3abc, 3 × 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13। तो ये मल्टीप्लीकेशन है, आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं अच्छी तरह से, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर आ रही है 16380, दैट द आंसर, राइट, वी हैव डन इट। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन व्हिच एरियाज आर गिवन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये रेक्टेंगल है, आपकी स्लाइड भी रेक्टेंगल है, तो कितना होता है, दिस इज एल दिस इज बी। तो हमें इसके दो फैक्टर करने हैं पहले, तो फैक्टर करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें 12 का 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने देखा 25 × 12, दिस इज 300। तो 300 के हमें ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनका प्लस माइनस करने पर हमारा कितना आ जाए, 35 आ जाए। तो देख लेते हैं जरा 300 के, इधर आ जाते हैं, 300 बराबर है 2 × 150, 300 बराबर 4 बराबर है 4 × 75, और आप कर ले सकते हैं इसको फिर 3 × 100 और 75 में से 5 इधर पे जाएंगे आप, तो हो जाएगा ये 10 × 30, 15 × 20। तो ये इसी की तो तलाश थी हमें, 15 × 20। तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पाएंगे, ये हो जाएगा 25a² माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12। तो इन दोनों कॉमन क्या है भाई, इन दोनों कॉमन 5 और a, तो बचेगा 5a माइनस 3। इनमें क्या कॉमन आप देखिए, इनमें कॉमन है 4, तो बचेगा 5a माइनस 3। तो ये आ गया 5a माइनस 4 और आ गया 5a माइनस 3। तो वो जो रेक्टेंगल है उसके पॉसिबल डायमेंशन क्या हो सकते हैं, 5a माइनस 3 एंड 5a माइनस 4, ये उस रेक्टेंगल के पॉसिबल डायमेंशन है, 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3। क्लियर बात है। और दूसरा पार्ट है इसका, 35 × 12, हम 35 × 12 करेंगे हम, ये आ रहा है आपका 420, यस 12 5 जा है 60, 0 आया 6 कैरी हुआ, और 12 3 3 जा 36 और 12 420। तो 420 के हमें ऐसे फैक्टर तलाशने होंगे जिनको प्लस माइनस करने पर हमारा 13 आ जाए, और 42 माइनस का 42 है भाई, ये ध्यान रखना है हमें, क्योंकि ये हमारा जो फैक्टर है वो माइनस के हैं। तो माइनस 42 के हमें ऐसे फैक्टर तलाशने पड़ेंगे जिसको प्लस माइनस करने पर हमारा क्या आ जाए, 3 वो आ जाए, 13 आ जाए। तो 420 के फैक्टर हम लिख लेते हैं यहाँ पे जरा, 420 एक है 21 × 20, हमें तो ऐसे फैक्टर तलाशने हैं, और क्या ये 15 से भी डिवाइड होगा, 15 से बिल्कुल होगा, तो हो जाएगा 3, यहाँ से आया 3 × 7, सारे फैक्टर लिख देते हैं यहाँ पे 3 × 7, और 20 हमारा है 4, 2 × 2 × 5, ये दो फैक्टर हैं 15 और 20, जिनका डिफरेंस आ रहा है 13। तो हमें मिल गया कि हमें करना क्या है इसमें, तो ये हो गया 35 y² स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म,
हमने इसको लिखा 28y माइनस 15y माइनस 12, इन दोनों में क्या कॉमन क्या है 7y, तो बचेगा 5y प्लस 4, इन दोनों में कॉमन क्या है 15y माइनस 12 में 3, तो बचेगा 5y प्लस 4, और फैक्टराइजेशन करने पर आइए 7y माइनस 3 इंटू 5y प्लस 4, तो जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेथ कितने हो सकते हैं 7y माइनस 3 एंड 5y प्लस 4, तो पॉसिबल डायमेंशन आ गए हैं 7y माइनस 3 एंड 5y प्लस 4, ये पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ है किसके, उस रेक्टेंगल के जिसका एरिया हमें दिया हुआ है। We have done it. अब है what are the possible expressions for the dimensions of cuboid whose volumes are given? आपको पता होना चाहिए कि जो cuboid होता है, cuboid कुछ इस तरह का दिखता है, cuboid ये solid body है, अगर A, B, C, A, B and C इसके dimension होते हैं तो उसकी volume आती है A into B into C क्यूबॉइड की, तो हमें क्या करना है इसको फैक्टराइज ऐसे करना है कि इसके तीन फैक्टर आए, तो ये तो आसानी से हो जाएगा, आसान है, तो इसमें आप देखिए तीन कॉमन है एक तो और एक्स कॉमन है, तो बचेगा एक्स माइनस फोर, तो इसके तीन फैक्टर दिख रहे हैं 3x एंड x माइनस फोर, ये तो बेहद आसान है, तो ऐसा क्यूबॉइड जिसका वॉल्यूम 3x स्क्वायर माइनस 12x है उसके डायमेंशन हो सकते हैं 3x एंड x माइनस फोर, अब है 12k by square plus 8k by minus 20k, तो हमें इसको फैक्टराइज करना है कि इसके फैक्टर हमारे क्या क्या हो सकते हैं, तो आप देखिए 20 एक तो इनमें k कॉमन है तो k तो हो ही गया राइट, फिर आप देखिए 20 into 12 कितना होता है 240, तो 240 के हमें ऐसे फैक्टर तलाशने हैं 240 जिनको प्लस माइनस करने पर हमारा कितना आ जाए 8 आ जाए, तो वो है 12 और 8, 240 होता है 12 into 20, तो 12 into 20 मिल गया हमें, तो हम इसको फैक्टराइज कर पाएंगे, एक तो k को बाहर लिख दिया हमने, तो ये आएगा 12y square plus 8y minus 20, k common है 12y square 20y माइनस 12 माइनस 20, के कॉमन है इन दोनों में 12 के साथ लिख लो चाह, तो 12y square, फैक्टराइज थोड़ा आसान हो जाएगा 12y square माइनस 12y प्लस 20y माइनस 20, तो k इन दोनों में क्या कॉमन है 12y, तो बचेगा y माइनस 1, इधर का कॉमन है 20 तो बचेगा y माइनस 1, तो टोटल आपके जो फैक्टर आ गए वो फैक्टर क्या आ गए k 12y प्लस 20 एंड y माइनस 1, तो ये तीन फैक्टर आ गए, ये तीन फैक्टर जो है वो क्या हो सकते हैं 20y, तो 20y प्लस 20 में से आप चाहें तो चार कॉमन लेके भी ले सकते हैं, तो किसी प्रकार से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, तो हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं k 12y, we can also write it, यहाँ इसको हम लिख रहे हैं, यहाँ इसके 4k कॉमन ले लिया और ये हो गया आपका 3y plus 5 और हो गया y minus 5, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है, तो ये पॉसिबल एक्सप्रेशंस हैं किसके, उस क्यूबॉइड के डायमेंशंस का जिसका वॉल्यूम हमें दिया है 12k by square plus 8k by minus 20k, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please like this video and share this video. Share your queries, doubts and questions in the comment section. If you are looking for any video of your choice, then you must mention it in the comment so that we can prepare it and upload it for your solution. Once again, I express millions of thanks for watching my video. Jai Hind, Jai Bharat.